अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाजा भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची योम आज़ादी फेस्टिवल हॉकी मैच के डीए ने केएचए यंगस्टर को हरा दिया। मेहमान खसूसी सेक्रेटरी केडीए शम्स सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं है और नौजवानों को सलाहियतों के इस्तेमाल के मौके फराम करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ काशिफ अहमद फारूकी की इस रिपोर्ट में। आज हम मौजूद है केजे हॉकी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मीपा में, जहां पर आज एक नुमाइशी मैच खेला जा रहा है जो जश्न आज़ादी डायमंड जुबली के हवाले से केडीए वर्सेस कराची यूथ के दरमियान। आज के मेहमान खसूसी है केडीए के डायरेक्टर जनरल सैयद मोहम्मद अली शाह, वो इसका आज इफ्तिताह करेंगे और इनाम तकसीम करेंगे। मैं इस आप तशरीफ लाए हैं, जश्न आज़ादी जो 75वां वोटर जुबली के हवाले से तकरीबात हो रही है पूरे मुल्क में, ये महीना चल रहा है, इसी हवाले से आज कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर ये एग्जीबिशन मैच है जश्न आज़ादी का। और इसके मेहमान खुसूसी जो हैं डी जी के डी ए मोहतरम मोहम्मद अली शाह साहब हैं, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, और यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपियन प्लेयर्स भी मौजूद हैं, आ रहे हैं बहुत से प्लेयर्स और वो इसको देखेंगे इस मैच को। और इसका बुनियादी मकसद यह है कि कौम को ये मैसेज जाए कि ये आज़ादी जो है बहुत जद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में मिली है, और हमें खाली ये एग्जीबिशन मैच और तकरीबात नहीं बल्कि एक अज़्म का इजहार करना है कि जो मुल्क है हमारा प्यारा मुल्क, इसके लिए सब लोगों ने काम करना है, हर शोबे में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करना है ताकि ये मुल्क तरक्की करे और हमारी आने वाली नस्लों का उसको फायदा। वालेकुम काशिफ भाई, पहले तो आपका शुक्रिया जो आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ये आपको बताए कि हमेशा जब भी केडीए ने जब टीमें बनी है तो हमेशा कोई ना कोई इवेंट्स पर जो है प्रोग्राम रखते रहते हैं, तो ये जश्न आज़ादी का प्रोग्राम बारिशों की वजह से लेट हो रहा था, तो आज इंशाल्लाह ये प्रोग्राम है जश्न आज़ादी फेस्टिवल है, 75 जश्न आज़ादी है, तो केडीए और केएचए के दोनों की मुश्तरी का उससे जो है वो ये प्रोग्राम रखा गया है मैच के हवाले से। तो इंशाल्लाह अभी डायरेक्टर जनरल साहब मेहमान खुसूसी और अभी थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं और इंशाल्लाह सब लोग आप इंजॉय करेंगे। काशिफ फारूकी साहब, सबसे पहले आपको और आपके चैनल का शुक्रिया कि आज दोपहर में भी स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए आप तशरीफ लाए। इस वक्त बारिश के मौसम में फिर एक मरतबा मौजूद है। मैं दिल की गहराइयों से केडीए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो उनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स जनाब रियाज मुंशी साहब और उनके स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद नसीम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने के लिए आज पाकिस्तान के कौमी खेल का उन्होंने नुमाइशी मैच यहाँ पे केडीए और केएचए के दरमियान रखा है। उसके मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब जो डायरेक्टर जनरल केडीए वो तशरीफ ला रहे हैं, और मैं काशिफ फारूकी साहब आपको बताता चलूँ कि सैयद मोहम्मद अली शाह साहब कराची में ही नहीं पाकिस्तान में कई जगह मुकाम की जगह डिप्टी कमिश्नर के अहदे पर तैनात रहे हैं, और जहाँ पर भी ये है इन्होंने स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। ये केडीए के स्पोर्ट्स के लोगों की कुछ खबरी है, खासतौर पर चुपा स्पोर्ट्स की के सैयद मोहम्मद अली शाह उनके डायरेक्टर जनरल हैं। और आप एक चीज़ देखें कि कराची में किसी महकमे ने अभी तक अपनी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को बहाल नहीं किया, मगर जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और सूबाई वजीर अला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब की हिदायत पर ये काम किया, और ख़ासतौर पर केडीए के चेयरमैन कमिश्नर कराची जनाब मोहम्मद इकबाल मेमन साहब जो खुद खेलों के बड़े जिंदा हैं, खेलों की को बड़ा फ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में ये केडीए का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो कारगुजारी दिखा रहा है वो आपके सामने। और काशिफ फारूकी साहब, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप जिस तरह और खेलों की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं इसी तरह आप हॉकी के खेल की प्रमोशन के लिए बड़ा काम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मैं 0.7 न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों आज की मैच की तफरीक के लिए आएँ, और इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर जनरल के डी ए मोहम्मद अली शाह का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जश्न आज़ादी के हवाले से ये नुमाइशी मैच मुनद करने का ऐलान किया, और अब कुछ चंद लम्हों बाद वो खुद तशरीफ ला रहे हैं और नौजवान खिलाड़ियों के हौसला अफजाई कर रहे हैं। बड़ा गुड साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए भी और कराची हॉकी एसोसिएशन के लिए भी, कि ये कराची एसोसिएशन हमेशा जो तारीख दिन्स होते हैं बड़े बड़े इवेंट्स कराने में अगर शाना बशाना रहती है। मैं समझता हूँ कि केडीए और कराची के जो यूथ क्लब का जो मैच हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इन्हीं में से लड़के अगर मेहनत करते रहें और प्रॉपर हॉकी खेलते रहें तो वो वक्त कम नहीं कि कराची से
प्लेयर भी निकलेंगे, कैप्टन में भी आएंगे, पाकिस्तान टीम में भी आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि फराज अहमद खान और हैदर हुसैन जो कराची में वक्ता वक्ता काम करते रहे, आज उनका सलाह देखे आप, हैदर हुसैन पाकिस्तान फेडरेशन के एज ए PHF के सेक्रेटरी भी बने, तो ये सब काम करने का नतीजा है। जैसे आप काम करेंगे अल्लाह ताला आपको इज्जत भी देगा और आपको नवाजेगा। भी प्लेटफॉर्म हम लोग आप लोगों को देना चाहते हैं, बच्चों को चाहिए कि अपनी हद तक मेहनत से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दें, ताकि हम लोग आगे आपके सिलेक्शन में हम अंगार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पाकिस्तान टीम में आए। के साथ के खेलों खिलाड़ी दोनों तरक्की करते रहे। कैमरामैन नासिर अली के साथ काशिफ अहमद फारूकी, 7 पॉइंट नेटवर्क, कराची।